हेलो फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि शादीशुदा जिंदगी को और भी ज्यादा सफल बनाने के लिए पति और पत्नी को दोनों को ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं। जी हाँ, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जिन्हें दोनों को एक साथ चलना और एक दूसरे को समझना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिन्हें आजमा कर आपकी लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी और भी अच्छी बन जाएगी। नंबर वन, जब भी आप सोने जाएं तो बेड पर सोने का समय एक जैसा ही रखें। यदि आपके पति बेड पर सोने के लिए पहुंच गए हैं तो उस समय आपको भी उन्हीं के पास होना चाहिए, ना ही किचन का काम निपटाना चाहिए। किचन का काम निपटाना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए आपको सारे काम समय से पूरे करने चाहिए ताकि आप समय से एक साथ बिस्तर पर जा सकें और सो सकें। लेकिन अगर आप अनियमित होकर एक दूसरे के सोने के समय को आगे पीछे करते हैं तो उस वजह से भी शादीशुदा जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। टिप नंबर टू, बेडरूम से सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूर रखें। फिर चाहे जितने भी उपकरण क्यों ना हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, आपका टीवी हो, म्यूजिक सिस्टम हो या फिर हो आपका मोबाइल फोन, इन सारी चीजों को बेडरूम से दूर रखिए और अपने बेडरूम में सिर्फ अपने और अपने पार्टनर के लिए ही जगह छोड़िए। क्योंकि यदि आप सोने के समय पर टीवी खोलकर बैठ जाएंगे तो आपको एक साथ बात करने का समय नहीं मिल पाएगा। नंबर थ्री, एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, जब आपके घर का सारा काम निपट जाए और बच्चे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाएं, तो अब बारी है बड़ों के जागने की। जी हाँ, रसोई का काम निपटाने की बजाय आपको एक दूसरे से बात करना ज्यादा जरूरी है। आपने एक दिन में क्या क्या किया, पूरे काम को किस तरीके से मैनेज किया, ये छोटी छोटी बातें जब आप अपने पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके बीच का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। टिप नंबर फोर है फोर प्ले। बेडरूम में आने से पहले अपनी पार्टनर को इशारा कर दें कि आप तैयार रहें। जी हाँ, ऐसा रोज रोज करें। ऐसा करने से आपके पार्टनर को ये महसूस होगा कि आपके लिए वो कितनी स्पेशल है। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को स्पेशल फील कराना बहुत ही जरूरी होता है। टिप नंबर फाइव, उन्हें गुड नाइट किस देना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, रात को सोते समय अपने पार्टनर को गुड नाइट किस देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये शारीरिक और भावनात्मक चीज होती है। गुड नाइट किस देने से आप ही का रिश्ता और बॉन्ड मजबूत बनेगा, इसलिए इस स्टेप को करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, ये थे वो कुछ ऐसे स्टेप जिनको अपनी लाइफ में ढालना आपके लिए जरूरी है यदि आपको अपनी लव लाइफ और शादीशुदा जिंदगी को अच्छा बनाना है। तो इन सारे स्टेप को आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।